हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो एक गाइडनेस वीडियो है और एक मोटिवेशन वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको HP पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो गाइडनेस वीडियो है और मोटिवेशनल वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत मुबारकें जो आपको लॉकडाउन के समय में इतना बड़ा सरकार की तरफ से गिफ्ट मिला है। गिफ्ट क्या है वो आपको एज रिलैक्सेशन दी गई है, आपको बहुत बहुत मुबारक हैं। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की बात सुन के हर एक कैंडिडेट के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही है और इस खुशी के लहर में आपको जो है वो अपना कर्तव्य, अपने काम को नहीं भूलना है। दोस्तों, जब आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तब आपको यही टेंशन थी कि हम जो हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अब आपको क्लियर हो चुका है कि आप जो है वो एलिजिबल हो, ठीक है। दोस्तों, आपको पता है कि जनरल कैटेगरी वालों को एज रिलैक्सेशन दी गई है 18 से 25 और अदर कैटेगरी को 18 से 27, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। अब आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब हर एक कैंडिडेट के मन का डाउट क्लियर हो चुका है कि वो जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है, ठीक है, क्योंकि सरकार की तरफ से 2 ईयर की रिलैक्सेशन उसे दी गई है। अब आपने अपने मन में कोई भी एक्स्ट्रा टेंशन नहीं आने देनी है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन तो आपको मिल गई, बट आगे का आपका क्या प्लान रहेगा, ठीक है। उस प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हमारा क्या प्लान रहेगा नेक्स्ट, ठीक है। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है कि आपको जो है वो पढ़ाई के लिए कमर कस लेनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है अब और मन लगाकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब आपके मन में ये कोई भी संदेह नहीं है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अब आपको कमर कस के पढ़ाई अच्छे से करनी है, मन लगाकर करनी है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों, पैर जो है वो ज़मीन पर रखो, ठीक है। अपनी हवाबाजी बिल्कुल नहीं करनी है कि मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, इस बार जो है वो मेरा HP पुलिस में सिलेक्शन जो है वो पक्का है। दोस्तों, जोश में होश होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मेरी पूरी बात बोलने का निष्कर्ष ये है कि आपको जो है वो प्रिपेयर ऐसे करना है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि ये मेरे को आता है टॉपिक, ये मैंने पढ़ना नहीं है, ये मैंने पिछले 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, ये मेरे को बिल्कुल आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। दोस्तों, मान लीजिए यदि आप 2 साल से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी कारण से नहीं कर पाए और आपको लग रहा था कि आपकी जो है वो एज निकल गई है, अब आपके पास गोल्डन चांस है, सरकार की तरफ से, भगवान जी की तरफ से आपको गोल्ड चांस दिया गया है। इस गोल्डन चांस में आपको जो है वो अच्छा परफॉर्म करना है, बिकॉज आपको ये चांस जो है वो बहुत ही मुश्किल तरीके से मिल पाया है। दोस्तों, अगर आप अभी भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो पक्की है, आपकी PTC ड्रॉ में ट्रेनिंग करने की सीट जो है वो पक्की है। घबराना बिल्कुल नहीं है, हो जाता है यार, सिलेबस कंप्लीट आपका। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आप सिलेबस को अच्छे से देखो, अच्छे से एनालाइज करो जो है वो क्या क्या आता है HP पुलिस में। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपको जो है वो पहले से पता होगा। यदि आप HP पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये नॉलेज आपको पहले से होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको देखने चाहिए। यदि आपने अभी अभी स्टार्ट करा है प्रिपेयर करना, हो सकता है आपकी एज नहीं थी पहले एलिजिबल, तो अभी आपको पता चल गया कि आप जो है वो एलिजिबल हो, अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको जो है वो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं 16 के, 18 के, 19 के, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालाइजेशन करना है, देन आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट में आते हैं। 5th पॉइंट है हमारा, टाइम टेबल आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। दोस्तों, टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि हम जो है वो बन जाते हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि हम जो है बन जाएं, ठीक है। दोस्तों, होता क्या है, यदि हमने ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम 8 से 9 बनाते हैं टाइम टेबल, हो सकता है हमें इस दौरान घर का कोई काम बन जाए, जहाँ कुछ भी हो सकता है, मम्मी ने आवाज़ लगा दी, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई ना कोई अड़चन पड़ गई, तो
तो इस प्रकार आप फॉलो नहीं कर पाए तो उसका रिग्रेट जो है वो पूरे दिन में रहेगा आपको, इसलिए टाइम टेबल जो है वो बिल्कुल नहीं बनाना है। ठीक है दोस्तों, बात आते हैं यदि हमने टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना है तो हमें करना क्या है। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको टारगेट रखने हैं दिन में कि हमने जो है वो फिजिक्स के इतने टॉपिक पढ़ने हैं, हिस्ट्री के इतने टॉपिक पढ़ने हैं, फिर मैथमेटिक्स का इतना सा टॉपिक पढ़ना है। तो आपको जो है वो एंड ऑफ द डे आपने किसी भी 4 घंटे लगाओ, 6 घंटे लगाओ, आपने वो टारगेट कंप्लीट करने हैं। छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उन टारगेट को कंप्लीट करें। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉक टेस्ट पेपर जितने लगाओ उतने कम हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर, हिमरक्षक चैनल पर लगातार आपको मॉक टेस्ट पेपर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, सेक्शन वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग, आपको अलग अलग आपको टाइम बाउंडेशन दी जाएगी। आपको 16 के 16 क्वेश्चन, जैसे जितने हिंदी, इंग्लिश और जीके के 16 के 16 क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल वैसा ही लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको चैनल पर बने रहना है और मॉक टेस्ट आपको रोज़ आएगा कोई ना कोई सब्जेक्ट का, आपको वो लगाना है और कमेंट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स जो है वो बताते रहना है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि लेवल जो है वो आपका हाई है या लो है, आपका लेवल कितना इंक्रीज़ करना है और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कंपटीशन जो है वो बहुत ही हाई होने वाला है क्योंकि लॉकडाउन में आप पढ़ रहे हो, आपके साथ जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो सभी पढ़ रहे हैं। बिकॉज लॉकडाउन में होता क्या है, हम घर से बाहर नहीं जाते और पढ़ाई ही पढ़ाई जो हर एक कैंडिडेट वही करता है, बेले कोई नहीं बैठता। आपको जो अभी आप पढ़ रहे हो तो कोई ना कोई दुनिया में, कोई ना कोई किसी भी हिमाचल के कोने में कोई और बच्चा भी पढ़ रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार कंपटीशन हाई होगा, मेरिट लिस्ट में जो है वो नंबर तो ही पड़ेगा यदि आपका मार्क्स जो है वो लाई करेगा वहाँ पर। 60 अबव का आपको टारगेट रखना है। ठीक है नेक्स्ट 8th पॉइंट है, रोज़ पढ़ो और जितना हो सके उतना गेन करो नॉलेज। ठीक है दोस्तों, रोज़ पढ़ने का मतलब ये है कि आपने रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आज आपने 4 घंटे पढ़े और कल आपने 2 घंटे ही पढ़े। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपको इस प्रिपरेशन के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है निरंतरता। ठीक है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपको रेगुलर पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे ही आपको पढ़ना है, 4 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो अलग अलग तो 4 टॉपिक ही आपको कंप्लीट करना है। यदि आपको 4 टॉपिक आज कंप्लीट कर लिए तो अगले दिन 3 नहीं कर सकते, अगले दिन आपको 4 से 5 करना है शिफ्टिंग। ठीक है, इंक्रीज़ होना चाहिए, डिक्रीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज जो है वो आप सभी को पता चल चुका है कि आप सभी कैंडिडेट एलिजिबल हो एग्ज़ाम के लिए, आपको सरकार की तरफ से इतना बड़ा तोहफा मिला है, अभी आपको मौका नहीं बुनाया है यदि आपने, तो आपकी गलती है इसमें, सरकार का या भगवान जी को बाद में दोष ना दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें आपको बेसिकली थोड़ा सा गाइड करना था और आपको जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना है अपना। ठीक है, आपको हवाबाजी बिल्कुल नहीं करनी है कि मेरे को 2 साल हो गए प्रिपेयर करते वक्त और आपको जो है वो आपका बाएं हाथ का खेल है एग्ज़ाम निकालना, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं हवा करनी है। आपको जो है वो ध्यान लगाकर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो में रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आपको बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आएँ और अपने अपने डाउट पूछें। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, उन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, थोड़ा सा गाइडनेस मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।